नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। आइए रुक करते हैं 15 खास शहरों की ओर और उनकी प्रमुख खबरों की ओर। प्रसव के लिए एक डंडे और उस पर बंधे कपड़े में लटकाकर एक आदिवासी महिला को 4 किलोमीटर तक पैदल ले जाना पड़ा ताकि वह पक्की सड़क तक पहुंच सके। हॉस्पिटल पहुंचने पर महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे थे, जहां आतंकवाद रोधी कार्यवाही रोके जाने के फैसले पर समीक्षा करने के बाद राजनाथ कुपवाड़ा, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के चुनिंदा इलाकों का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए जाने वाले इफ्तार पार्टी में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में प्री मानसून और बारिश आने पर आकाशीय बिजली से 7 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश के सतना, सीधी और रीवा में बुधवार को जोरदार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की भी मौत हो गई। साथ ही सेंधवा के पानसेमल में भी बारिश के बाद दीवार गिरने से दादा और 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का 7वां दिन भी बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। किसान नेता कक्का जी मंदसौर में आंदोलन पर करेंगे बात। बताया जा रहा है कि 8 जून को दलोदा में होने वाली सभा में कक्का जी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिंह और प्रवीण तोगड़िया मंच साझा करेंगे। वर्षा ऋतु में बाढ़ व आपदा प्रबंधन की पूर्ति की तैयारियों के संबंध में उज्जैन में 11 जून को सिंहस्थ मेला कार्यालय में बैठक रखी गई है। उज्जैन कलेक्टर मनीष सिंह होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उज्जैन के जिलाधीश ने समस्त अधिकारियों को बैठक में बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। प्रदेश के भिंड में CMHO डॉक्टर IS राजावत ने रोन स्थित क्लिनिक में अपने फौजी बेटे सौरभ सिंह के सिर की चोट का खुद इलाज किया और सेना मुख्यालय को 16 करोड़ का इलाज का बिल भी भेज दिया। बिल देखकर सैन्य अफसर चौंक गए और उन्होंने भिंड के कलेक्टर आशीष गुप्ता को पत्र लिखकर मामले की जांच के लिए कहा है। मध्य प्रदेश में मॉनसून 9 से 11 जून तक आ सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक इस बार प्रदेश में मानसून निमाड़ यानी बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर की ओर से आने के आसार हैं। तपती गर्मी और उमस से राहत के लिए भोपाल, इंदौर में मानसून एक साथ आ सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक AK शुक्ला के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी दिन के तापमान में 0.9 डिग्री की गिरावट आई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुष्कर्म के आरोपी सब इंस्पेक्टर अशोक चौधरी गुरुवार को कानोता थाने में संतरी को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक वह कमिश्नर के पूर्व जिले में बस्सी थाने में पदस्थ था, जो पिछले करीब 1.5 माह से वहां से निलंबित चल रहा था। दुर्ग के आदित्यनगर थाना क्षेत्र में विवाद के कारण 28 वर्षीय नीतीश शर्मा को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब के भिवानी में 6 दिन पहले लापता मरीज का शव CMO ऑफिस के पीछे कुत्ता नोच रहा था। मामले को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत जाँच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान पुलिस की PCPNTD एक्ट की टीम ने शहर के काशीपुरा स्थित मकान में चल रहे अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। उसका भगोड़ा सरगना कपिल पांडे पिछले 11 साल से इस गैर कानूनी कार्य को कर रहा था। उसके पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी है, जो सोनोग्राफी सेंटर भी चलाता है। चेक बाउंस के 3 अलग अलग मामलों में पंजाब के पूर्व एडिशनल DGP रहे गुरचरण सिंह भुल्लर को चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए रिटायर्ड ADGP भुल्लर को NI एक्ट 138 के तहत तीनों केस में 6-6 महीने की सजा सुनाई गई है। उच्चतम अदालत ने राज्यसभा से अयोग्य घोषित जदयू के बागी नेता शरद यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए गुरुवार को कहा कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष को उनकी याचिका लंबित होने के दौरान वेतन और भत्ते मिल पाएंगे, किंतु वह सरकारी बंगले में निवास नहीं कर सकते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाते हुए गोंडा के DM JB सिंह एवं फतेहपुरा के DM कुमार प्रशांत को निलंबित कर दिया है। CM ने भाजपा सरकार बनने के बाद 2 जिलों के DM को एक साथ पहली बार निलंबित किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक व्यक्ति का
छोटे पुल के पास पेड़ से लटकी लाश मिली। राहगीरों ने लाश को देखते ही पुलिस को बता दिया। शव की शिनाख्त पुलिस डिपार्टमेंट के एक आरक्षक के रूप में की गई है। मृतक का नाम रवि राज, पिता राजकुमार शांडिल्य था। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।